हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी के वो लॉज जिनके अकॉर्डिंग मोशन को एनालाइज किया जाता है, ठीक है, और इस उन लॉज को डिटेक्ट किसने किया था? न्यूटन ने। ठीक, तो एक्चुअली मोशन को एनालाइज किया न्यूटन ने और कुछ सर्टेन रूल्स निकाले कि मोशन इन रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है, इन रूल्स को फॉलो करती है। ठीक, एक्चुअली व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है? मोशन इज चेंज इन पोजिशन। पोजिशन में जब चेंज होता है किसी बॉडी की या पार्टिकल की, तो हम कहते हैं कि यह बॉडी मोशन में है, ठीक है ना। और पोजीशन में चेंज बिना फोर्स के नहीं हो सकता। जब तक कोई पोजीशन में चेंज नहीं करेगा, तब तक पोजीशन में चेंज नहीं होगा। ठीक, तो एक्चुअल में अगर हम मोशन को देखें, यहां पे मोशन की बात की जाए, तो मोशन इज रिलेटेड टू चेंज इन पोजीशन। और चेंज इन पोजीशन को क्या बोला जाता है यहां पे? वेलोसिटी। ठीक है ना। अब वेलोसिटी का एनालिसिस कर रहे हैं हम। हमें इतना पता है, अभी लास्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स हमने देखा कि वेलोसिटी किससे रिलेटेड होती है? सीधे सीधे एक्सेलरेशन से। अगर किसी कोई बॉडी रेस्ट में है और आप उसे वेलोसिटी देना चाहते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। या कोई बॉडी रेस्ट में और थोड़ी देर में आपको वो किसी वेलोसिटी के साथ चलते हुए दिखती है, तो समझ लीजिए उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है? v2 - v1/t, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब वेलोसिटी को जनरेट करने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए और एक्सेलरेशन को जनरेट करने के लिए चाहिए फोर्स। ठीक है, तो पहले हम फोर्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना, तब उसका और इस मोशन का रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। और यही कोशिश न्यूटन ने की है। तो हम न्यूटन की जो कोशिश है, न्यूटन के जो ट्राई है या न्यूटन के जो रूल्स हैं, उनको एनालाइज करेंगे एक्चुअल में। यानी कि मोशन और फोर्स, इन दोनों का रिलेशन ही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं फोर्स। फोर्स क्या चीज है? ओके, देखिए फोर्स क्या होता है। फोर्स इज अ पुश और पुल। हर इंसान जानता है कि फोर्स क्या होता है, फिर भी हमें डिफाइन करने के लिए कुछ वर्ड्स चाहिए होते हैं। फोर्स इज अ पुश और पुल विच कैन चेंज स्टेट ऑफ एनी बॉडी। फोर्स कोई पुश या पुल है जो किसी बॉडी की फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकता है। फिजिकल स्टेट का मीनिंग क्या हुआ यहां पे? सीधे सीधे पोजीशन। यानी कि फोर्स वो फिनोमेना है, वो पुश या पुल है जो किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर सकता है। और बॉडी की पोजीशन कंटिन्यूअस चेंज होती रहे तो हम क्या कहते हैं? उसमें वेलोसिटी है या उसमें एक्सेलरेशन है। बहुत सारे स्टेटमेंट्स बोले जा सकते हैं। तो फोर्स इज अ पुश और पुल विच कैन चेंज स्टेट ऑफ एनी बॉडी। अब फोर्स के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है ना, कुछ टाइप्स हैं फोर्स के, ठीक है ना। फर्स्ट टाइप मतलब कितने टाइप का होता है? देखिए फोर्स को कैटेगराइज करने के हमारे पास बहुत तरीके हैं। इनफैक्ट कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन के लिए जरूरी है आप किस बेसिस पे उसको रख के एनालाइज कर रहे हो। मान लीजिए बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, हम चाहते हैं कि हम कलर के बेसिस पे कैटेगराइज करें, तो हम बहुत ज्यादा फेयर लोगों को अलग कर सकते हैं, कम फेयर लोगों को अलग कर सकते हैं, काले लोगों को अलग कर सकते हैं। तो कलर के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, ये मैक्सिमम फेयर, ये मॉडरेट फेयर, ये ब्लैक,
ऐसे कैटेगरी दो, हाइट के बेसिस पे कर सकते हैं, 6 फुट से ज्यादा लंबे लोग इधर जाइए, 6 से 5.5 फुट के बीच के लोग इधर आइए। तो ये कलर हाइट के बेसिस पे कैटेगराइजेशन होगा। वेल्थ के बेसिस पे भी किया जा सकता है कि इस अमाउंट से ज्यादा वेल्थी लोग इधर, इस अमाउंट से कम वेल्थी लोग इधर और गरीब लोग इधर, इस तरीके से वेल्थ के बेसिस पे कैटेगराइजेशन किया जा सकता। इसी तरीके से किसी भी चीज को या किसी भी ग्रुप को या किसी भी फिनोमेना को कैटेगराइज करने के लिए बेसिस होते हैं, ठीक है ना। यहां पे एक बेसिस के अकॉर्डिंग इस फोर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मतलब 4 तरीके के फोर्सेस देखे जा सकते हैं। वो बेसिस क्या है, दैट इज नेचर। तो नेचर के बेसिस पे 4 टाइप के फोर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हर कोई फील करता है, इसलिए इसको मैं पहले नंबर पे लिख रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस कौन से, जो आप अभी इस वक्त फील कर रहे हो, जिसकी वजह से ये चौक नीचे जाती है, जिसकी वजह से हम जमीन पे खड़े हुए हैं, अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स के लिए किसी का कॉन्टेक्ट करना या किसी से कनेक्ट होना जरूरी नहीं है, किसी का धकेलना जरूरी नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप छोड़ दो, वो अपने आप अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो फोर्सेस हैं जो ग्रेविटेशनल नहीं है, सबसे पहली बात तो ये, जिन जो वो फोर्स जो अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से नहीं है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि हर चीज एटम से मिलके बनी है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इनसे मिलके बनी है, चार्जेस से मिलके बनी है, ठीक है। तो जब हम सब जानते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम जानते हैं, ठीक है। तो उन फैक्टर्स की वजह से लगने वाला फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कि नेचर में ग्रेविटेशनल नहीं होगा, ठीक। सपोज करिए कोई स्ट्रिंग है आपके पास, एक हाथ से और दूसरे हाथ से पकड़ के आप उसको ऐसे खींच रहे हो, तो उसके जो एटम्स हैं वो भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। आप कहीं से भी उस स्ट्रिंग को टच करके देखोगे, वहीं से टाइट मिलेगी आपको, ठीक है ना। मान लीजिए आप कहीं किसी चीज को ऐसे पुश कर रहे हो, तो अगर आप किसी वॉल को पुश कर रहे हो तो वॉल के जो पार्टिकल्स है वो भी पुश हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कन्वे हो रहा है फोर्स, ठीक है ना, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के प्रोटॉन्स के इंटरेक्शन की वजह से जनरेट होता है। थर्ड न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्सेस, ये वो फोर्सेस है, ठीक है ना, जो न्यूक्लियस के लेवल पे लगते हैं, ठीक है। बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं, बहुत ही कम, इनके कंपैरिजन में बहुत ही कम अमाउंट होती है इनकी, ठीक है ना। अब फोर्थ इज वीक फोर्सेस, और भी बहुत तरह वंडर वॉल फोर्सेस। इन फोर्सेस को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना यहां पे हमारा पर्पज नहीं है, ठीक है ना। अगर हमें एक्चुअल में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखने, तो हमने फोर्स के टाइप्स देखे। अब आगे फ्यूचर में फिजिक्स हम जितनी पढ़ते जाएंगे, ये टाइप के फोर्सेस बहुत अच्छे तरीके से हम एनालाइज करते चले जाएंगे, एक करके स्टेप बाय स्टेप, ठीक। अब ग्रेविटेशनल फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इनका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दीज टू फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस और वीक फोर्सेस, इनका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है, और ये दोनों शॉर्ट रेंज फोर्सेस है, बहुत छोटी डिस्टेंस के लिए लगते हैं, 10^-10^12 meters के रेंज में ये फोर्सेस एक्ट करते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस मतलब न्यूक्लियस वाले फोर्सेस, न्यूक्लियस के बीच में लगने वाले फोर्सेस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन वाले फोर्सेस, खुद ही आप सोच सकते हो दीज आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस, और ये दोनों लॉन्ग रेंज फोर्सेस है, क्लियर। अब इन चीजों को अच्छे से नोट करिए, हम फिर अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन फोर्स के बारे में हुआ, अब आ जाते हैं हम लॉज पे, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ, देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहता है।
फोर्सेस के बारे में। ठीक, एक्चुअल में जब हम किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, एक फोर्स करते हैं या एक से ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो बॉडी मूव करने लगेगी। अगर हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि फोर्स से ही तो वेलोसिटी जनरेट होती है, फोर्स ही तो उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज करता है। मान लो कोई चीज इधर चल रही है, उस पर हम फोर्स लगाने लगे तो और ज्यादा तेज चलने लगेगी, या कोई चीज इधर चल रही है हम सामने से फोर्स लगाने लगेंगे तो स्लो हो जाएगी। यानी कि वेलोसिटी में चेंज कर देता है फोर्स। और अगर हम यह प्रूव कर दें कि किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज हो ही नहीं रहा, चेंज इन वेलोसिटी मींस चेंज इन मैग्नीट्यूड और चेंज इन डायरेक्शन, और चेंज इन बोथ, दोनों में चेंज हो, अकेले मैग्नीट्यूड में चेंज हो तब भी हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज है, डायरेक्शन में चेंज हो तब भी हम बोलेंगे वेलोसिटी में चेंज है, या दोनों में चेंज हो तब भी हम यही बोलेंगे वेलोसिटी में चेंज। तो वेलोसिटी में चेंज अगर नहीं हो रहा है, हम ये प्रूव कर दें, तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी पे फोर्स कितना है? जीरो। क्योंकि फोर्स होगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, और वेलोसिटी में चेंज आ नहीं रहा है, दैट मींस फोर्स इज जीरो। ठीक है, अब फोर्स इज जीरो का मीनिंग ये नहीं है कि फोर्स जीरो ही है, हो सकता है दो या दो से ज्यादा फोर्स है तो सबका सब मिलके जीरो होगा। जितने फोर्सेज है सबका सब मिलके जीरो होगा, यानी कि कुछ फोर्सेज कुछ और फोर्सेज के बराबर होंगे। ठीक है ना, तो अगर हम यह प्रूव कर दें कि वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है, दैट मींस उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है? जीरो। इसी चीज को हम उल्टे तरीके से भी बोल सकते हैं। कैसे? कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स जीरो है तो उसके चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? जीरो। उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। हम इसको अपोजिट भी बोल सकते हैं, दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं, हमें अपना पर्पस सॉल्व करना, हम किसी भी एंगल से यूज कर सकते हैं। अगर हम ये प्रूव कर दें कि चेंज इन स्टेट जीरो है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, बॉडी जैसे चल रही थी बिल्कुल वैसे ही चल रही है, या जिस तरीके से रेस्ट में रखी थी बिल्कुल वैसे ही रखी है, ये प्रूव कर दें तो अपने आप प्रूव हो जाएगा कि इस पे फोर्स जीरो है, बोल सकते हैं हम। या फिर ये प्रूव कर दो कि इस पे फोर्स जीरो है तो अपने आप वेलोसिटी में चेंज जीरो बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है ना, दिस इज फॉर जीरो फोर्स। जीरो फोर्स मतलब बैलेंस्ड फोर्स। देखिए, अगर दो या दो से ज्यादा फोर्स होंगे तो बैलेंस होगा, तो दिस लॉ इज फॉर बैलेंस्ड फोर्स, फॉर बैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है ना, एफ एक्सटर्नल इज जीरो, इट मींस नो चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ बॉडी। लॉ ये कहता है कि अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो बॉडी की फिजिकल स्टेट में चेंज नहीं होगा। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी एज इट इज, बॉडी मूविंग है तो मूविंग ही रहेगी, नो चेंज इन वेलोसिटी विल बी देयर। वेलोसिटी में कोई चेंज होगा ही नहीं, वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी कि कोई बॉडी जितनी तेज चल रही है वो उतनी ही तेज चलती रहेगी, और जिस तरफ चल रही है वो उस तरफ ही चलती रहेगी, और वैसे ही चलती रहेगी जैसे वो चल रही है, अगर एक्सटर्नल फोर्स कितना है? जीरो। ठीक है ना, इस रूल का हम बहुत फायदा उठाते हैं, बहुत जगह इसका फायदा उठाते हैं। इसका फायदा कैसे उठाएंगे हम? मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है इस तरीके का, ठीक है ना, बॉडी है यहां पे रखी हुई है, ठीक है, इसको कुछ लोग इधर से धकेल रहे हैं, कुछ लोग इधर से धकेल रहे हैं, ये इस तरफ फोर्स कितना लगा रहे हैं? F1, ठीक है ना, और कुछ लोग इधर से धकेल रहे हैं इसको,
ये इस तरफ कितना फोर्स लगा रहे हैं, F2, और बॉडी रेस्ट में है, इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, F नेट इज इक्वल टू जीरो, बॉडी रेस्ट में है, नो चेंज इन इट्स स्टेट, नो चेंज इन इट्स स्टेट, और ये जो बिल्कुल आइडियल फ्लोर है, ये कोई फोर्स फोर्स नहीं लगाती, कोई फ्रिक्शन फ्रिक्शन कुछ नहीं है, तो F नेट जीरो है, और F नेट क्या है बॉडी पे, दैट मीन्स नेट फोर्स जीरो, यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि F1 इज इक्वल टू F2, बोथ द फोर्सेस आर सेम, यानी कि ये जो अगर ये राम है और ये श्याम है तो बोथ आर अप्लाइंग सेम फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ये कैसे फायदा उठाया, कहां से पता चला, ये कंक्लूजन कहां से ड्रॉ किया हमने, हमने फर्स्ट लॉ की हेल्प से ड्रॉ किया है, क्योंकि हमें फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर बॉडी चल ही नहीं रही है रेस्ट में, तो उस पर लगने वाले जितने भी फोर्सेज है सबका सम कितना होगा, जीरो। क्या बात समझ में आई, इसी तरीके से हम बहुत सारे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, बहुत सारे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, किसकी हेल्प से, फर्स्ट लॉ की। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फाइनली कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी, कोई बॉडी मूविंग है तो वो मूविंग ही रहेगी, जिस तरफ चल रही है उसी तरफ चलती रहेगी, अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स कितना हुआ, जीरो, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम सेकेंड लॉ पे, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या कहता है, दिस इज फॉर अनबैलेंस्ड फोर्सेस, फॉर अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जब बॉडी पे फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगे, यानी कि फोर्स तो लग ही रहा है, यानी कि उसकी स्टेट में चेंज होगा ही होगा, ठीक है ना, इफ एफ एक्सटर्नल इज नॉट जीरो, ठीक है, तो लॉ ये कहता है कि बॉडी में एक एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा जिसकी वैल्यू फोर्स जो भी एक्सटर्नल लग रहा है उस पर, जो भी उस बॉडी के बाहर से कोई फोर्स लगा रहा है उसको किससे डिवाइड कर देंगे हम, मास से। बोला कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है तो बॉडी में एक एक्सेलरेशन आ जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, एफ एक्सटर्नल बाई मास, यानी कि एफ इज इक्वल, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, यहीं से जनरेट होता है एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वो ये कहता है, ठीक, दिस इज सेकेंड लॉ। अगर फोर्स बैलेंस नहीं है, बॉडी रेस्ट में नहीं है, मूविंग है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो वेलोसिटी विल चेंज, वेलोसिटी चेंज होगी किसके अकॉर्डिंग, एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग, एक्सेलरेशन तो आएगा ही आएगा, एंड एक्सेलरेशन विल बी इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन एज फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी में एक्सेलरेशन होगा, क्यों, क्योंकि मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, वो डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती और उसकी वजह से डायरेक्शन पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वो केवल इसके मैग्नीट्यूड को मल्टीपल कर सकती है, तो फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। अभी इस फोर्स पे हमें बहुत सारे एग्जांपल्स करने हैं, ठीक है ना, मैं इस पे अगर आपको एग्जांपल देना की कोशिश करूं कि एक बॉडी है 2 kg की, उस पर 10 N का फोर्स लग रहा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 10/2 इज इक्वल टू 5, ठीक है ना, तो उस टाइप के एग्जांपल्स है, हमारा कोई IQ लेवल नहीं बढ़ने वाला, ठीक, तो इस चीज पे हम बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल करेंगे, लेकिन अभी हमें थर्ड लॉ कंप्लीट करना है, इसको आप अच्छे से नोट करिए, फिर इनको मैं समराइज करके इस पे अच्छे अच्छे एग्जांपल लेके हम थोड़ा लेवल बिल्डअप करेंगे। ओके, तो सेकेंड लॉ हमने देखा, ठीक है ना, सेकेंड लॉ में एफ एक्सटर्नल का मीनिंग ये नहीं है कि एक सिंगल फोर्स लग रहा है, एफ एक्सटर्नल बहुत सारे फोर्सेस का ग्रुप भी हो सकता है, यानी कि अगर मैं लिख रहा हूं कि F इज इक्वल टू एम ए, दैट मीन F एक्सटर्नल कैन बी अ सम ऑफ सो मेनी फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस का सम भी हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है 10 N इधर लग रहा हो, 2 N इधर लग, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 8 N, वो भी हो सकता है ये, ठीक है। तो मान लो हमसे बहुत ही छोटा सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है
कि अगर यहां पे मान लीजिए ये कोई प्लेटफॉर्म है हमारे पास, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे एक ब्लॉक रखा हुआ है ये वाला, जिसका मास कितना है 5 kg, ठीक है ना। वो बोलते हैं कि टी इज इक्वल टू 0 पे इस ब्लॉक को एक इंसान आके ऐसे धकेलने लग गया। कितना फोर्स लगा के? इस तरफ फोर्स लगा रहा है वो, एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है ना। तो बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल आफ्टर टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। क्या करेंगे इसके लिए हम? डेफिनेटली अगर ये बॉडी रखी है 5 kg की और वो उस पर फोर्स लगाना शुरू कर देता है, कितना 20 न्यूटन, तो कुछ इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, धकेल के कहीं ना कहीं तो ले जाएगा इसको, और कंटिन्यूअस धकेले ही जा रहा है कॉन्स्टेंट फोर्स से, तो डेफिनेटली ये चीज आगे चलेगी और किसी पोजिशन पे पहुंच जाएगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है ना, सबसे पहला काम क्या होगा? सेकेंड लॉ लगाइए, एफ इज इक्वल टू एम ए, यहां से इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करिए एफ बाई एम करके। एफ कितना होगा? 20, 20 बाई कितना, एम कितना है 5, कितना हुआ 4 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन हुआ। अब यहां से एक्सेलरेशन लगना शुरू हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, ठीक है ना। ट्रेवल डिस्टेंस निकालनी तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की आप हेल्प ले सकते हो। क्यों? बॉडी कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स कांस्टेंट मतलब जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट हो, एक स्ट्रेट लाइन में ही बॉडी को चलाएगा, ठीक है, और विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना 4, तो 0 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 3 सेकेंड, 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया बताइए, कितना हो गया? एस इज इक्वल टू हो गया, इस 2 से ये कट के कितना आ गया 2, 18 मीटर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये सेकेंड लॉ का एक बहुत ही स्मॉल लेवल पे यूज था, ठीक है ना। अब आते हैं हम थर्ड लॉ पे, नोट करिए इसको अच्छे से। ओके, थर्ड लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है ये थर्ड लॉ जो है। देखिए क्या है, न्यूटन ने बताया कि अगर हम किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी भी हम पे उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। यानी कि अगर बॉडी ए बॉडी बी पे, यानी कि बॉडी ए अगर बॉडी बी पे कोई फोर्स लगा रही है ऐसे, इस तरफ यूं फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगा रही है, ठीक है, तो बॉडी बी भी बॉडी ए पे उतना ही फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? बॉडी ए, अगर ए बॉडी बी पे फोर्स अप्लाई कर रही है एफ, तो बॉडी बी भी ए पे फोर्स अप्लाई करेगी एफ, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। तो अगर मैं बॉडी ए जो बॉडी बी पे फोर्स लगाती है, ठीक है ना, उसको एफ वन लिखता हूं, ठीक है, और उसको लिख देता हूं एफ, तो बॉडी बी अगर ए पे लगा रही है और उसको मैं लिखता हूं एफ टू, तो एफ टू को मुझे लिखना पड़ेगा माइनस एफ, अगर आप इनके ऊपर वेक्टर लगाते हो। दिस इज फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी ए ऑन बॉडी बी, एंड दिस इज फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी बी ऑन बॉडी ए। ये वो फोर्स है जो बॉडी बी लगाती है ए पे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोई वॉल है इस तरीके से, इट्स अ
सम काइंड ऑफ वॉल। ठीक है, अब यहां पे कोई इंसान, ठीक है, इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा अगर इस बॉडी पे, इस वॉल पे ये एफ फोर्स इस तरफ लगा रहा है, ठीक है, तो ये वॉल भी इसके हाथों पे सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगी F2, और F1 और F2 जो है वो मैग्नीट्यूड में बिल्कुल बराबर होंगे। लेकिन अगर आपको शौक चढ़ा के मैं इसे वेक्टर फॉर्म में ही लिखूंगा और आप चाहते हो कि मैं F1 को वेक्टर फॉर्म में लिखूं और उसको लिख रहा हूं मैं F, F0 लिख रहा हूं मान लीजिए, जबरदस्ती है कि वेक्टर फॉर्म में ही लिखो, तो F2 को आप लिखोगे जब बोला जाएगा आप F2 लिखिए माइनस F0, लिखना ही पड़ेगा माइनस एफ नोट, क्यों, क्योंकि एफ नोट फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, एफ नोट फोर्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसके हैंड्स पे अगर मैं इसका अलग से डायग्राम बनाऊं, ठीक है ना, इस तरीके से यूं, तो इसके जो ये हैंड्स हैं यहां पे, ये इन हैंड्स पे भी एक फोर्स लगेगा इस तरफ, ये फोर्स क्या होगा एफ टू, ये किसने, दिस इज फोर्स अप्लाइड ऑन हैंड्स बाय वॉल, इसके हाथों पे दीवार ने कितना फोर्स लगा वो ये है, ठीक है ना। और इस वॉल का अगर मैं एफबीडी बनाऊं यहां पे, ये अगर वॉल है तो वॉल पे एक फोर्स लगेगा ये वाला, ये और ये फोर्स कौन सा होगा एफ वन, दिस इज फोर्स अप्लाइड बाई हैंड्स ऑन वॉल, ये हाथों ने वॉल पे लगाया है और ये वॉल ने हाथों पे लगाया है, क्लियर, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ये थर्ड लॉ कहता है, ठीक है ना। तो थर्ड लॉ को हम बोल सकते हैं देयर इज अ रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन, ठीक है ना, इन अपोजिट डायरेक्शन विद सेम अमाउंट, ठीक है। तो अब थर्ड लॉ के बारे में इतनी सारी बातें, इतने सारे एग्जांपल्स हैं, इतने कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल्स हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना, यानी कि अगर कोई भी एक्शन है, ठीक है ना, तो उसकी रिएक्शन जरूर होगी, थर्ड लॉ ये कहता है, थर्ड लॉ इज अ लॉ ऑफ नेचर, ठीक है ना, आप किसी के साथ जैसा करोगे आपके साथ भी वैसा ही होगा, सेम चीज न्यूटन ने एक फिजिक्स की फॉर्म में आपको दी है। तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है, होना ही है, अगर एक्शन है तो रिएक्शन भी डेफिनेटली होना ही है, ठीक। अब ये चीजें बहुत कॉन्सेप्चुअल हैं, ठीक है ना, अब एक्शन और रिएक्शन दो अलग नई टाइप की टेंशन और हो गई हमारे लिए। अब एक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है, एक्शन और रिएक्शन में क्या रिलेशन है। अब एक्शन, अगर कोई कोई एक्शन है और उसकी रिएक्शन है, दोनों की नेचर सेम होनी चाहिए, नेचर ऑफ फोर्सेस, नेचर ऑफ बोथ द फोर्सेस शुड बी सेम, शुड बी सेम, यानी कि अगर ये ग्रेविटेशनल है तो ये भी ग्रेविटेशनल होना चाहिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होना चाहिए, ये न्यूक्लियर है तो ये भी वही होना चाहिए। अब बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि ये अर्थ सरफेस है, इट्स अ ग्राउंड, ठीक है ना, ग्राउंड पे अगर कोई इंसान खड़ा हुआ है, ये कोई इंसान है और ग्राउंड पे खड़ा हुआ है ऐसे, तो आप ये देखिए कि इस पे अर्थ की वजह से नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा कितना, mg। अगर मैं इसको एक्शन बोलता हूं, दिस mg इज एक्शन, किसका एक्शन है, इट्स अ एक्शन ऑफ अर्थ, ये अर्थ का फोर्स है जो अर्थ ने इस मैन पे लगाया है, कितना है mg, इसका मास कितना है m। इसकी रिएक्शन कहां होगी, वेयर रिएक्शन, वेयर इज द रिएक्शन ऑफ दिस फोर्स, क्या मुझे बता सकते हो रिएक्शन कहां होगी, सोचिए और फिर मैच करना क्या है, क्या रिएक्शन ये होगी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लगूं
कि जो रिएक्शन होगी, क्या इसके पैरों पे लगने वाला ये जो फोर्स है यहां से, जो नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, नो डाउट नॉर्मल लगना ही लगना है क्योंकि कुछ लोग बहुत पढ़ाकू होते हैं, पहले से पढ़ चुके होते हैं, क्या ये नॉर्मल इस एमजी की रिएक्शन है, क्या ये रिएक्शन है? आंसर अगर हां है तो मैच करिएगा, ना है तो भी मैच करिएगा। इन रियलिटी ये नॉर्मल, मुझे पता है कि ये नॉर्मल जो है डेफिनेटली एमजी के बराबर है। ये हमारी पुराने स्टडीज के बेसिस पे हम कंक्लूजन निकालते हैं, दिस नॉर्मल इज इक्वलेंट टू एमजी। लेकिन क्या ये नॉर्मल इस एमजी की रिएक्शन फोर्स है? तो आंसर है नो, नहीं, ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रूल फॉलो नहीं करता। क्या एमजी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है? इट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दिस नॉर्मल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो नेचर तो सेम हुई नहीं, तो ये अगर एक्शन है तो ये चीज रिएक्शन नहीं हो सकती, नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। तो फिर रिएक्शन कहां है? रिएक्शन इज एट द सेंटर ऑफ अर्थ। इस फोर्स की रिएक्शन कहां पे है? अर्थ के सेंटर पे। यानी कि अगर ये अर्थ है, इफ दिस इज अर्थ, ठीक है, तो रिएक्शन यहां पे होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज इस मैन को नीचे की तरफ खींच रही है यहां पे यूं, तो ये मैन भी अर्थ के सेंटर को, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ, तो ये चीज भी अर्थ के सेंटर को अपनी तरफ खींच रही होगी। अब ये तो एक्शन हुआ और ये हुई रिएक्शन, तो इस एक्शन की रिएक्शन आपको अर्थ के सेंटर पे दिखाई देगी, वो भी ग्रेविटेशनली है। ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये फोर्स मैन के सेंटर पे लग रहा है और यही टाइप का फोर्स अर्थ के सेंटर पे लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे की रिएक्शन है, ना कि ये वाला नॉर्मल और ये वाला एमजी, ये दोनों रिएक्शन नहीं है। तो दीज टू फोर्सेस आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर, आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। क्लियर? इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।